ये गैर कानूनी तौर पे कायम है, ये कौन इजाजत दे रहा है आपको? बाबा जी आ जाओ, मीडिया वाले आ गए ने। सारा ला मीडिया वाले आ गए ने। आजो आजो, ये हमारे पुलिस भाई भी जो है वो आ चुके हैं, तो जो है वो मौके पे गिरफ्तार करवाएंगे। हम अप्रिशिएट करेंगे, ये हमारे साथ साथ है जी। शुक्रिया, थैंक यू जी, आगे आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़, मैं आरिस इकबाल हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मॉल टाउन के एरिया में मौजूद हैं, लियाकताबाद का इलाका है। यहाँ पर सुनने में आया है कि इस मार्केट में बहुत सारी पेट्रोल पंप्स की जो मशीनें हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर कायम हैं, यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं, जिससे इलाका मकीन भी सेफ़ नहीं है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी सेफ़ नहीं हैं, और ये लोग जो मौत को सर पर बांध कर चल रहे हैं ख़ुद भी सेफ़ नहीं हैं। सो आज हमने इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। मुतलका हमें SHO की तरफ से टीम भी प्रोवाइड की जाएगी और हम उनके साथ जाएंगे और जो लोग इस गैर कानूनी धंधे में मसरूफ हैं उनको गिरफ्तार भी करवाएंगे। सो इस सब के लिए आपने हमारे साथ रहना है। नाजरीन, जैसा कि DC साहब के ऑर्डर हैं कि खुला पेट्रोल जो है वो आप नहीं बेच सकते, और ये हम जगह जगह देखते हैं कि खुली जो पेट्रोल की मशीनें हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ ये खेलते हैं। लोग अपने सर पे तो मौत बांधते हैं लेकिन साथ साथ लोगों को भी जो है वो इसमें करते हैं। कौन है इसका मालिक? विकास जट। विकास जट कहाँ है? वो काम क्वार्टर में, हमें घर होंगे। काम इलीगल है तो वो उनसे पूछे ना, विकास भाई से पूछो। बंद होगी, DC साहब की ऑर्डर है, खुला पेट्रोल आप बेच ही नहीं सकते। तो वो बात ठीक है, आप नंबर ले लो, मेरे पास बैलेंस नहीं है, आप कॉल करो। मैं किस तरह फोन, मैं तो 15 पे कॉल करूंगा ना, मैं तो इसको बंद करवाऊंगा। नहीं वो ठीक है, आप जितनी मर्जी कॉल करें, बाकी आप कौन कॉल करो, आपको डेटा वगैरह करो उसका। नाज़रीन, वो कहते हैं जी ये मालिक की है, मैं इधर मुलाजमत करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद हैं तो ये इसके ज़िम्मेदार हैं। हम यहाँ पर जो है वो 15 पे कॉल करेंगे और इसको फ़ौरन जो है वो बंद करवाएंगे। आप कर रहे हैं अपने मालिक को कॉल कि मैं 15 पे कॉल करूँ? मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मेरे पास पैकेज नहीं। मैं किस तरह कॉल कर सकती हूँ? तो मेरे पास बात करा दो ना, आप उनको बताएं कि इधर आए। तो मेरे पास पैकेज नहीं है ना, आप वो नंबर दे दो। कौन इजाज़त कौन देता है, किससे पूछ के, किसको आपने महीना फिक्स किया? मैं बोल रहा हूँ आपको नंबर देता, आप मालिक से पूछे। मैं क्यों पूछूं? तो फिर मैं आप क्या उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? नुमाइंदगी नहीं है, मैंने आपको बोला है कि मेरे पास बैग ही नहीं है, आप नंबर लें तो कॉल करें। फोन करते हैं जी, हम इनके मालिक को फोन करवाएंगे, इनकी बात कराएंगे और वो यहाँ मौके पे आएंगे, नहीं तो हम उसको फौरन बंद करवाएंगे। जी आप ये कहते हैं जी कॉल भी अपने नंबर से, तो हम कोशिश करेंगे कि कॉल करें इनके मालिक को। जी बताएं जी, कॉल मिलाई जा रही है जी उनके मालिक को। ये कब से कायम है जी? एक महीना हो गया। महीना? हाँ जी, एक डेढ़ महीना। कोई आता नहीं रोकने? आप मालिक से बात करेंगे ना, आपको बता देंगे सारा ही। एक मिनट बात कर लेना, तो बात तो कर लेना, दो एक मिनट रुकते जाओ। नहीं मिल रहा नंबर। नाजरीन, हम 15 पे कॉल करेंगे क्योंकि DC साहब के ऑर्डर हैं, और ये लोग लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेलते हैं, अपने साथ भी खेलते हैं, और यहाँ पर पता नहीं कितने लीटर अब यहाँ पर पेट्रोल जो है उन्होंने स्टोर किया हुआ है। अब ये 15 पे हम कॉल करेंगे। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ये अरफा क्रीम टावर के पीछे मैं मौजूद हूँ, नाले के ऊपर। यहाँ पर ये DC साहब के ऑर्डर हैं कि खुला पेट्रोल जो है वो आप नहीं बेच सकते, और यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पे रिहायशी इलाका है। सो ये आपकी नॉलेज में है, काइंडली यहाँ आपको टीम भिजवाएं और इसको फ़ौरन जो है वो बंद करवाएं। तो जी 15 पे हमने कॉल की, उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। देखते हैं कि अब दोबारा रिसीव कब होती है कॉल हमें। इस टाइम टाइम हुआ है जी 4:34, और मालिक यहाँ से एज़ यूजल फरार हो चुके हैं, यहीं हैं, किससे बात कर रहे हैं। कोई हुआ रब्ता कि नहीं, कोई रब्ता हुआ है कि नहीं? यार रब्ता ही करिए ना, मैं चले रब्ता हो रहा है जी, देखते हैं। और ये PSO के नाम पर, PSO को पता भी नहीं है कि यहाँ पर गैर कानूनी धंधा जो है वो जारी है, पेट्रोल की सेल जारी है। आज यहाँ तो इसको बंद कराएंगे, ख़त्म करवाएंगे यहाँ से। ये हम पीछे देखते हैं कि कहाँ से ये पेट्रोल जो है वो आ रहा है। ये दिखाएं जी, ये गैलन है, ये पंप भी यहाँ पे मौजूद है जो कि इसको खींचता है। वो तो पैमाने वाला है आपके पास, पैमाना सिस्टम जिससे चेक कर सकें कि पेट्रोल कम से कम लोगों को जितने पैसे ले रहे हैं पूरा दे रहे हैं कि नहीं? चेक हो जाएगा, आपको सब कुछ बता देंगे। एक मिनट आप सबर करो, कॉल तो कर लेंगे आपको। तो आधे घंटे से कॉल, तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना, कॉल भी नहीं सुन रहे। खैर जी, हम 15 पे कॉल कर चुके हैं, उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं। 4:34 पर हमने जो वो कॉल की थी जी सर, 15 पे जी, ये पेट्रोल पंप को जो है वो बंद कर रहे हैं ये यहाँ से, हम इनको जाने देंगे सर। ये आप मौके पे आएँ,
ये बिल्कुल नाले के ऊपर अरफा करीम टावर के पीछे, हम इनको जाने नहीं देंगे यहाँ से। आप जाएंगे नहीं कहीं पे, इधर ही रहेंगे। इतनी है मैं कितने में जाता जी। 15 पे हमने कॉल जो है वो की है और ये भाई साहब ने दिखाए जी, ये बंद कर दिया इसको और अब शटर भी जो है वो मार दिया गया है। सो ये मौत का खेल है जो ये अपने साथ भी खेल रहे हैं। यहाँ लाखों लोग, ये बच्चे दिखाएं जिनकी जिंदगियों के साथ ये खेल रहे हैं। नवाज साहब आप नहीं बेटा, वो आ रहे हैं रस्ते में सब इंस्पेक्टर। नहीं वो आ रहे हैं, वो गाड़ी पे आ रहे हैं। 20 मिनट हो चुके हैं हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आईजी साहब के सख्ती से ऑर्डर है। नहीं वो तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं वो बताएंगे, वो भी आते। इतना कौन सा संगीन मसला है जिसको सीनियर ऑफिसर, एक दुकान का मालिक यहाँ से जब वो चला गया, हमारे पास रिकॉर्ड है, उसने मुजामत की है, उसका कौन जिम्मेदार? कॉल करें जरा, इंशाल्लाह कार्रवाई होगी, चेक करो कड़े बंदे। दूसरे बंदे ने उसको फरार कराया, उसके पास चाबी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उधर गया जी वो बंदा। दुकान को जी के कहते हैं 4 दिन बाद खुली है, किसने खुलवाई है यहाँ पे इलाके में? कौन है? मैं सर सीनियर जो अफसर है उनको बुला रहा हूँ। नाजरीन 25 मिनट बाद अल्लाह अल्लाह करके ये हमारे प्यारे भाई आए हैं। अब ये सीनियर ऑफिसर को कॉल कर रहे हैं, अल्लाह जाने कितने संगीन नोयत का ये केस है जिसको सीनियर्स जो है वो हैंडल करेंगे, लेकिन उनकी भी नौकरी है, देखते हैं। ये साथ वाले ना, इसके पास चाबी है, ये दुकान छोड़ के चला गया अपनी, इसने बंद करके उसको भगाया। तो ये काम भी पकड़ाने वाला भी हम ही करेंगे जी। किधर गया जी वो बंदा? अंदर तो नहीं है, वो किधर गया है बंदा मैकेनिक? पता नहीं बॉस, इधर वॉशरूम आया, मुझे पता नहीं है। देखिए जरा अंदर नजर मारें। पहले जी वो बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इस टाइम जो है वो यहाँ से फरार हैं। स्वामी को कहेंगे कि इनकी दुकान को बंद किया जाए ताकि वो नेक्स्ट जब आए तो वो रابطہ यहाँ पे करें, इनकी दुकान को बंद करवाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसने बंद करवाया, इसको कॉल करें आप जरा अपने नंबर से राना इमरान। नंबर बंद है जी, इसकी दुकान को आप बंद करें। इसकी खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी जी? ये जो दुकान के खिलाफ जो है आप अभी एप्लीकेशन चलती है, हम बताते हैं अपने सीनियर को जाके, वो कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक। अब हम जो है वो आगे भी जाते हैं, तो आप हमारे साथ आएंगे? बताओ जो सीनियर कहते हैं। हाँ चलें, चलते आपके साथ चलें। हाँ जी हाँ जी, आप आए जी, आगे भी बहुत सारी मशीनें, हम उनको भी जो है वो बंद करवाएंगे और उनके मालिक को जो है मौके पर गिरफ्तार करवाएंगे। सर ये गैर कानूनी तौर पे कायम है, ये कौन इजाजत दे रहा है? बाबा जी आ जाओ, मीडिया वाले आ गए ने। तो ताला ला, मीडिया वाले आ गए ने। आ जाओ आ जाओ। ये किससे बात कर रहे हैं पहले ही? आपको कौन खबरें देता है? ये मेरे दादा अबू है। हमारे पुलिस भाई भी जो है वो आ चुके हैं, इनको जो है वो हम मौके पे गिरफ्तार करवाएंगे। सर क्या कार्रवाई क्या होगी इनके खिलाफ? हमने इनको मौके पे गिरफ्तार जो है वो करवा दिए। कब से आपने लगाया हुआ इधर जी? कितने अरसे से लगाया हुआ है? इसको हो गए 2 साल हो गए। 3 साल से कर रहे हो जी? किसी ने रोका नहीं आपको? ओ कोई ना धमाका कर दे सर, कोई बच्चा शरारत कर जैसी। ऐ तू बंद कर दे गेट, बंद कर दे मशीन।
इसको ही तो खत्म करना है जिसको आप अंदर कर रहे हो। कानून वालों के जो काम है उसमें हम जो मुदाखलत नहीं करेंगे, जो ये सर बेहतर समझेंगे। हमारा काम निशानदेही करना है जो गलत करेगा। तो ये मशीन ही तो गलत है सर, आप इसको लेके जाएं और बाद में डाला ला के इसको जो है वो उठवाएं। इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी जी? जी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। और ये बंद होंगे इस इलाके में? हाँ ये बंद है, आठ बजे पहले भी बंद थे, ये पता नहीं कैसे खुला हुआ है। तो जी पुलिस इनको जो है मौके से गिरफ्तार करके जो है वो लेकर जा रही है। हम अप्रिशिएट करेंगे, हमारे साथ साथ है जी। शुक्रिया, थैंक यू जी, आगे आ जाए जी। जी तो नाज़रीन आपने देखा है कि आज हमने जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये पेट्रोल मशीनें लगाई गई हैं जो कि इलाका मकीनों के लिए ख़तरे से भरपूर हैं, ख़तरे का बायस हैं, आज हमने उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी करवाई हैं, कुछ को वार्निंग की बुनियाद पर छोड़ दिया गया है। सो ये सिलसिला किसकी पुश पनाही में जारी था ये भी जानने की कोशिश की है। इसी के साथ अपने मेज़बान आरिज़ इकबाल को मेरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।